हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एमएस स्टडी। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 4 ऑपरेशंस ऑन लार्ज नंबर एक्सरसाइज 13। क्वेश्चन इज डिवाइड एंड फाइंड द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर, मीन्स इसमें हमें क्वेश्चन और रिमाइंडर दोनों फाइंड करने हैं। तो क्वेश्चन आपको दे रखा है 83,254 डिवाइडेड बाय 58, इसे हमें 58 से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले आपको दे रखे हैं टू डिजिट जो है वो 83, इट मीन्स 83 इज ग्रेटर देन 58। सो 83 वन टाइम में यहाँ पे 58 चला जाएगा, माइनस करेंगे 13 में से 8 जाएगा तो 5 आ जाएगा, एंड यहाँ पे 7 बचा, 7 में से 5 गया तो 2 आया। उसके बाद इस 2 को हम नीचे लेंगे, नॉ 252, तो ये आपका यहाँ पे 4 टाइम में चला जाएगा 232। माइनस करेंगे 0, 5 में से 3 जाएगा 2, 10 में से 0 सॉरी 2 में से 2 जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। उसके बाद हमें इस 5 को नीचे लेना है, 205 आ रहा है, इट मीन्स ये आपका 3 टाइम में चला जाएगा 174। माइनस करेंगे 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ पे आपका 10 हो गया, 9 में से 7 जाएगा तो 2 बचेगा। अब इस 4 को नीचे ले लेना है, नेक्स्ट आ गया आपका 214, अभी भी आपका 3 टाइम में चला जाएगा 174। माइनस करेंगे तो यहाँ आ गया आपका 0, 11 में से 7 जाएगा तो 4, 40 बच गया है आपका यहाँ पर रिमाइंडर, एंड ये है आपका क्वेश्चन। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है आपका 5,47,802 डिवाइडेड बाय 91। तो 91 से इसको डिवाइड करना है, तो देखिए जो स्टार्टिंग के टू डिजिट्स हैं 54, वो 91 से कम है, तो हमें यहाँ पे 3 डिजिट एक साथ लेने पड़ेंगे। तो 91 का टेबल हम कितने टाइम्स पढ़ेंगे, 547 से ज़्यादा ना हो, तो यहाँ पे हमें टेबल पढ़ना पड़ेगा 6 टाइम 546। माइनस करेंगे यहाँ पर आ जाएगा आपका 1। उसके बाद हमें क्या करना है, 8 को नीचे लेना है, बट 18 तो 91 से कम है, इसलिए यहाँ पर एक 0 लेंगे और एक और डिजिट हम नीचे लेंगे, क्योंकि हमने दो डिजिट एक साथ लिए ना, इसलिए यहाँ पर हमने 0 लगाया। अब 91 का टेबल अगर हम 2 टाइम्स भी पढ़ते हैं तो 82 आता है, 182, इसलिए 1 टाइम ही पढ़ेंगे, आ जाएगा आपका यहाँ पे 91। माइनस करेंगे 10 में से बन जाएगा 9, 17 में से 9 जाएगा 8। अब हम इस 2 को भी नीचे ले लेते हैं, 892, अभी आपका 9 टाइम में चला जाएगा 890। यहाँ पे आपको 12 में से 9 जाएगा 3, यानी यहाँ पे 8 बचा होगा, 8 में से बन जाएगा 7, तो ये है आपका रिमाइंडर और ये है आपका क्वेश्चन। इज दैट क्लियर? अगर क्वेश्चन को करने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे पर्सनली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 6,73,900 डिवाइडेड बाय 86। तो अब हमें क्या करना है, 86 से 6,739,000 को डिवाइड करना है। तो यहाँ पे देखिए 86 का टेबल अगर हम 1 टाइम पढ़ेंगे तो 67 86 से कम है, इसलिए हमें 3 डिजिट यहाँ लेने पड़ेंगे। तो 86 का टेबल कितने टाइम्स हमें पढ़ना है कि 673 से ज़्यादा ना हो, तो ये टेबल आपको पढ़ना पड़ेगा 7 टाइम्स। 7 टाइम्स में आ जाएगा आपका यहाँ पे 602, माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 17। उसके बाद हम यहाँ पे 9 ले लेंगे, अब 86 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ना है कि 719 से ज़्यादा ना हो, ये टेबल पढ़ना पड़ेगा आपको 8 टाइम्स 688।
माइनस करेंगे, 9 में से 8 गया 1, 11 में से 8 जाएगा 3, और 6 में से 6 जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। उसके बाद हम यहाँ पे 0 ले लेंगे। अब 86 का टेबल हमें इतने टाइम्स पढ़ना है कि 310 से ज़्यादा ना हो, तो हमें ये टेबल पढ़ना पड़ेगा 3 times 258। माइनस करेंगे तो यहाँ पे 0 में से 8 नहीं आ सकता, बोरो करना पड़ेगा, तो 10 में से 8 जाएगा 2, यहाँ पे भी यहाँ से बोरो करेंगे तो ये जाएगा 10, 10 में से 5 जाएगा 5। उसके बाद ये वाला 0 नीचे लेकर आएंगे, 520 हो गया। तो 86 का टेबल हमें कितने टाइम्स पढ़ना है कि 520 से ज़्यादा ना हो, ये टेबल पढ़ना पड़ेगा आपको 6 times 516। माइनस करेंगे, 10 में से 6 जाएगा तो 4 आ जाएगा, यहाँ पे 0 0, तो यहाँ पे 4 बच गया है आपका रिमाइंडर। और आपका जो क्वेश्चन है वो है 7836। क्वेश्चन नंबर 4 इज 3,33,624 डिवाइडेड बाई 137। तो 137 से हम 3,33,624 को डिवाइड करेंगे। तो वन टाइम अगर हम लेंगे इनको 137 है और ये 333 है, तो कितने टाइम्स हमें ये टेबल पढ़ना पड़ेगा? तो उसके लिए हमें क्या देखना है, यहाँ पे 2 टाइम्स में आ जाएगा हमारा 274। माइनस करेंगे, 13 में से 4 जाएगा 9, 12 में से 7 जाएगा 5, उसके बाद हम 6 को नीचे ले लेंगे। अब आ गया हमारा 596, तो हमें इसे कितने टाइम्स पढ़ना होगा? 4 टाइम्स, 4 टाइम्स में आ जाएगा आपका 548। माइनस करेंगे, 16 में से 8 जाएगा तो 8, एंड यहाँ पे 8 बचा, 8 में से 4 जाएगा 4। उसके बाद हमें क्या करना है, इस 2 को नीचे ले लेना है। अब हमें 137 का टेबल इतने टाइम्स पढ़ना है कि 482 से ज़्यादा ना हो, तो इसे हम पढ़ेंगे 3 times 411। माइनस करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा आपका 1, एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका 7। उसके बाद हमें इस 4 को भी नीचे ले लेना है, ये हो गया आपका 714। अब हमें क्या करना है, इस टेबल को पढ़ना है 5 टाइम्स, तो आ जाएगा आपका यहाँ पे 685। माइनस करेंगे, 14 में से 5 जाएगा तो 9 आएगा, 10 में से 8 जाएगा तो 2 आएगा, एंड 6 में से 6 जाएगा तो 0 आएगा। मीन्स यहाँ पे आपका 29 रिमाइंडर हो गया है और 2435 हो गया है आपका क्वेश्चन। शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है Q फॉर क्वेश्चन एंड R फॉर रिमाइंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, 5,98,613 डिवाइडेड बाई 243। 243 से हमें डिवाइड करना है 5,98,613 को, तो 243 का टेबल हमें कितने टाइम्स पढ़ना चाहिए कि 598 से ज़्यादा ना हो? 2 times, 486। माइनस करेंगे, 8 में से 6 जाएगा 2, 9 में से 8 जाएगा 1, एंड 5 में से 4 जाएगा तो भी 1। अभी 6 को नीचे लिया है, अब हो गया आपके यहाँ पास यहाँ पे 1126, उसे हमें कितने टाइम्स पढ़ना है? 4 टाइम्स, 243 को 4 टाइम्स पढ़ेंगे तो आएगा आपका यहाँ पे 972। माइनस करेंगे, 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचा, 12 में से 7 जाएगा तो 5 बचा, एंड 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा। अब इस 3 को भी नीचे ले लेना है हमें। अब हमें कितने टाइम्स पढ़ना है? 6 टाइम्स, 6 टाइम्स पढ़ने पे आ जाएगा 1458। माइनस करेंगे, 13 में से 8 जाएगा 5, 13 में से 5 जाएगा 8, एंड 0 0, 85 हो गया आपका रिमाइंडर, एंड 246 हो गया आपका क्वेश्चन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है आपका
18,16 को डिवाइड करना है आपको 359 से, तो 359 से डिवाइड करेंगे 1808016 को। 359 को डिवाइड करने के लिए हमें यहाँ पे एटलीस्ट 4 डिजिट लेने पड़ेंगे। कितना आना चाहिए आपका 359 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स में 1795। माइनस कीजिए, एक में से 5 जाएगा 4, यहाँ से बोरो कर लेंगे 10 में से 9 जाएगा 1 और यहाँ पे 0 0। उसके बाद हम यहाँ पे 0 को नीचे ले लेते हैं तो 140 तो 359 के टेबल में आता नहीं है, तो इस 1 को भी लेना पड़ेगा। और क्योंकि हमने 2 डिजिट एक साथ नीचे लिए हैं इसलिए क्वेश्चन में हमारा 0 लिखा जाएगा। उसके बाद 359 को इतने टाइम्स पढ़ना है कि 1401 से ज़्यादा ना हो, तो हमें इस टेबल को पढ़ना पड़ेगा 3 टाइम्स, और 3 टाइम्स टेबल पढ़ने के आएगा आपका 1077। माइनस करेंगे 11 में से 7 जाएगा तो 4। ओके, यहाँ पे अब 10 बचा होगा क्योंकि हमने यहाँ से बोलो क्या होगा, ये 3 हो गया और ये 10, और यहाँ से 10 में से 9 हो गया और ये 10 हो गया, सॉरी 11, 11 में से 7 गया 4, यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 7 जाएगा तो 2 बचेगा एंड यहाँ पे 3 बचा हुआ है तो 324 है हमारे पास यहाँ पे। अभी 6 को भी नीचे ले लेते हैं। अब आ गया आपके पास 3246। तो अब हमें टेबल को पढ़ना है 9 टाइम्स, और 9 टाइम्स पढ़ने पर आ जाएगा आपका 3231। माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 5100, मीन्स 15 जो है वो रिमाइंडर हो गया और 5039 हो गया आपका क्वेश्चन। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका 22,65,737 डिवाइडेड बाय 479। तो 479 से हमें डिवाइड करना है 226537। 479 से डिवाइड करने के लिए हमें यहाँ पे एक साथ 4 डिजिट लेने होंगे, तो कितने टाइम्स हम करें कि 22,265 से ज़्यादा ना हो, उसे हमें पढ़ना पड़ेगा 4 टाइम्स। 4 टाइम्स में आएगा आपका 1916। माइनस करेंगे तो 15 में से 6 जाएगा 9, यहाँ पे 5 बचा होगा, 5 में से 1 जाएगा 4, 12 में से 9 जाएगा 3, और यहाँ पे 1 बचा होगा तो 1 में से 1 जाएगा 0। उसके बाद हमें 7 को नीचे लेना है। अब हमें 479 का टेबल इतने टाइम्स पढ़ना है कि 3497 से ज़्यादा ना हो, तो हमें 7 टाइम्स पढ़ना पड़ेगा 3353। माइनस करेंगे 7 में से 3 जाएगा 4, 9 में से 5 जाएगा 4, 4 में से 3 जाएगा 1, एंड यहाँ पे 0 है। उसके बाद इस 3 को हम नीचे लेंगे 4343। अब हमें कितने टाइम्स टेबल पढ़ना पड़ेगा 479 का? 3 टाइम्स, 3 टाइम्स पढ़ेंगे तो आएगा आपका 1437। माइनस करेंगे तो 3 में से 7 नहीं आ सकता, यहाँ से बोरो करना पड़ेगा, तो जाएगा 13, 13 में से 7 जाएगा तो यहाँ आ जाएगा आपका 6, और यहाँ आ जाएगा 0 0 0। उसके बाद यहाँ पे हमें 7 को लेना है। ठीक है, अब क्योंकि 67 इस टेबल से नहीं जाएगा तो यहाँ पे एक और नंबर चाहिए होगा, क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्टली है नहीं बट वी हैव टू पुट 0 हियर। ओके, तो यहाँ पे आपका 67 जो है वो रिमाइंडर हो गया है और 4730 हो गया है आपका क्वेश्चन। क्लियर? नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। 54,19,307 डिवाइडेड बाय 396। तो 396 से हम 5419307 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए तो 396 को अगर हम 1 टाइम्स पढ़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 396,
माइनस करेंगे, यहाँ पे वन है, वन में से सिक्स नहीं आ सकता, यहाँ से बोरो करना पड़ेगा, ये बन जाएगा इलेवन, इलेवन में से सिक्स आएगा फाइव, वैसे यहाँ पे बचा हुआ थ्री, यहाँ से बोरो करेंगे थर्टीन, थर्टीन में से नाइन जाएगा फोर, एंड यहाँ पे फोर बचा होगा, फोर में से थ्री जाएगा वन। उसके बाद इस नाइन को नीचे ले लेंगे, अब ये हो गया आपका फोर्टीन फिफ्टी नाइन। फोर्टीन फिफ्टी नाइन जो है इसे हमें कितने टाइम्स पढ़ना होगा, इसे हमें पढ़ना होगा थ्री टाइम्स, डबल वन डबल एट, माइनस करेंगे नाइन में से एट जाएगा वन, फिफ्टीन में से एट जाएगा सेवन, एंड यहाँ पे बचा होगा आपका थ्री, थ्री में से वन जाएगा तो टू। अब यहाँ पे आ गया आपका थ्री, थ्री नाइन्टी सिक्स का टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे कि ट्वेंटी सेवन थर्टीन से ज़्यादा ना हो, तो इसे पढ़ेंगे हम सिक्स टाइम, सिक्स टाइम में आ जाएगा आपका टू थ्री सेवन सिक्स, माइनस करेंगे थर्टीन में से सिक्स जाएगा तो सेवन, टेन में से सेवन जाएगा तो थ्री, यहाँ पे आपका बचा हुआ सिक्स, सिक्स में से थ्री जाएगा तो थ्री आ जाएगा। उसके बाद इस वाले ज़ीरो को नीचे लेना है, अब बन गया है यहाँ पे आपका डबल थ्री सेवन ज़ीरो, इसे हमें पढ़ना होगा एट टाइम्स, तो ये हो जाएगा आपका थ्री वन सिक्स एट, माइनस करेंगे टेन में से एट जाएगा टू, सिक्स बचा होगा यहाँ पे, सिक्स में से सिक्स जाएगा ज़ीरो, एंड थ्री में से वन जाएगा तो टू, थ्री में से थ्री जाएगा तो ज़ीरो। अब इस सेवन को भी हमें नीचे ले लेना है, ठीक है। अब आपके पास आ गया है टू ज़ीरो टू सेवन, अब हमें फाइव टाइम्स पढ़ना होगा, फाइव टाइम्स में आ जाएगा आपका वन नाइन एट ज़ीरो, माइनस करेंगे नहीं तो यहाँ जाएगा आपका सेवन, बारह में से यानी कि ट्वेल्व में से एट जाएगा तो यहाँ जाएगा आपका फोर, नाइन में से नाइन जाएगा ज़ीरो, यानी यहाँ पे वन बचा होगा, वन में से वन जाएगा ज़ीरो, तो फोर्टी सेवन जो है वो है आपका यहाँ पे रिमाइंडर। एंड आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 13,685, ओके ओके। तो क्वेश्चन नंबर नाइन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नाइन में है 86,70,863 डिवाइडेड बाय 561, तो 561 से हमें डिवाइड करना है 8670863 को, 561 वन टाइम में चला जाएगा, 561 माइनस करेंगे सिक्स ज़ीरो एंड टू, उसके बाद इस एट को नीचे ले लेंगे, अब हो गया आपका यहाँ पे 3068, तो ये आपका चला जाएगा 5528 05, माइनस करेंगे एक में से फाइव जाएगा थ्री, सिक्स में से ज़ीरो जाएगा तो सिक्स, यहाँ पे जीरो में से एट नहीं आ सकता है, यहाँ से बोरो करेंगे टेन में से एट जाएगा टू, एंड यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सिक्स लेंगे, अब आपको हो गया यहाँ पे 2636, ये आपका चला जाएगा फोर टाइम में डबल टू डबल फोर, माइनस करेंगे सिक्स में से फोर जाएगा टू, थर्टीन में से फोर जाएगा तो नाइन, यहाँ पे फाइव बचा होगा, फाइव में से टू जाएगा तो थ्री, एंड ये ज़ीरो। उसके बाद इस थ्री को नीचे ले लेना है 923, तो ये आपका वन टाइम में चला जाएगा 561, तो ये थोड़ा सा गलत हो गया है, यहाँ ये वन टाइम में नहीं जाएगा, यहाँ पे आपका 3923 है, तो 3923 के लिए आपको इसे लेना पड़ेगा सिक्स टाइम, सिक्स टाइम में आपको यहाँ पे हो जाएगा डबल थ्री डबल सिक्स, डबल थ्री डबल सिक्स, माइनस करेंगे थर्टीन में से सिक्स जाएगा सेवन, यहाँ पे वन बचा होगा, ये इधर से बोलोगे इलेवन, इलेवन में से सिक्स जाएगा फाइव, यहाँ पे एट बचा होगा, एट में से सिक्स जाएगा फाइव, मीन्स 557 जो है वो आपका रिमाइंडर बच गया है, और 1546 जो है वो आपका क्वेश्चन है, ओके। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था क्वेश्चन, बट इट्स ओके, सॉल्यूशन बिल्कुल सही हो गया है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या है आपका
93,62,596 को डिवाइड करना है 594 से। चलिए डिवाइड करते हैं 594 93,62,596। 594 वन टाइम में चला जाएगा, पहले आपका 594 माइनस करेंगे, 6 में से 4 जाएगा 2, 13 में से 9 जाएगा 4, यहाँ पे ए बचा होगा, 1 में से 5 जाएगा 3। इसी वजह से को नीचे ले लेना है। अब आपके पास हो गया है 3,422। तो कितने टाइम हम इसे करें ये कंप्लीट चला जाएगा, तो ये आपको करना पड़ेगा 5 टाइम में 2970। माइनस करेंगे टू में से 0 जाएगा 2, टू में से 7 जाएगा, तो यहाँ से बोरो करेंगे ये जाएगा 12 में से 7 जाएगा 5, यहाँ पे 3 बचा होगा, यहाँ से बोरो करेंगे 13 में से 9 जाएगा तो 4 बचेगा। उसके बाद इस साइड को हमें नीचे ले लेना है। अब ये बन गया आपका 4,525। तो आपको 594 का टेबल करना पड़ेगा 7 टाइम्स, तो आएगा आपका 14158। माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपको यहाँ पे 15 में से 8 जाएगा तो 7, 11 में से 5 जाएगा तो 6, 4 में से 1 जाएगा तो 3, और यहाँ पे 4 में से 4 जाएगा 0। नाउ 6 में क्या जाएगा, अब यहाँ पे आप हो गया है आपका 3,676। ये आपको करना पड़ेगा 6 टाइम, 6 टाइम में आ जाएगा आपका 3,564। माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 6 में से 4 जाएगा 2, 7 में से 6 जाएगा 1, 6 में से 5 जाएगा 1, और यहाँ पे 0। इसके बाद इस 6 को भी आपको नीचे ले लेना है। अब आपके पास हो गया है 1,126, तो ये आपको वन टाइम में ही जाएगा 594। माइनस करेंगे यहाँ पे 6 में से 4 जाएगा 2, 11 में से 9 जाएगा तो भी 2, यहाँ पे 10 में से 5 जाएगा तो 5। मीन्स ये हो गया आपका रिमाइंडर, और 15,761 हो गया आपका क्वेश्चन। इज दैट क्लियर? ओके, कम टू द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका 69,32,570 डिवाइडेड बाई 642। तो 642 से डिवाइड करते हैं 693,570। आपका वन टाइम में पहले चला जाएगा 642, माइनस करेंगे 15। उसके बाद इस 2 को ले लेना है। अब देखिए डिवाइड करना है 642 से, बट यहाँ पे 512 भी है जो कि से कम है, तो एक बार हमें एक नंबर और लेना पड़ेगा, इसलिए हमें यहाँ पे 0 पुट करना पड़ेगा। अब ये हो गया आपका 5,125। इसे हमें कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि इससे ज़्यादा ना हो, 7 टाइम्स। 7 टाइम्स में आ जाएगा यहाँ पे आपका 4494। माइनस करेंगे 5 में से 4 जाएगा 1, 12 में से 9 जाएगा 3, 10 में से 4 जाएगा 6, और यहाँ पे 4 बचा होगा, 4 में से 4 जाएगा 0। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 7 को नीचे ले लेना है। यहाँ पे आप बच गया आपके पास 6,317। तो आपको क्या करना है, इस बार टेबल पढ़ना है 9 टाइम्स। 9 टाइम्स में हो जाएगा आपके पास 5,778। माइनस करेंगे 17 में से 8 जाएगा 9, ठीक है, 10 में से 7 जाएगा 3, 12 में से 7 जाएगा 5, एंड यहाँ पे 5 में से 5 जाएगा 0। अब हमें 0 को भी नीचे ले लेना है। आपके पास हो गया है 5,390। तो इसे अब आपको क्या करना है, 8 टाइम्स पढ़ना है 5,136। माइनस करेंगे 10 में से 6 जाएगा 4, यहाँ पे 8 बचा होगा, 8 में से 3 जाएगा 5, यहाँ पे 3 में से 1 जाएगा 2, 0।
तो ये हो गया आपका रिमाइंडर और ये हो गया आपका क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 12। 97,36,215 डिवाइडेड बाय 937। तो 937 से डिवाइड करते हैं 9736215। ओके, तो यहाँ पे वन टाइम में हमारा चला जाएगा 937। माइनस करेंगे 13 में से 7 जाएगा तो बचेगा हमारा 6। उसके बाद यहाँ 6 में से 3 जाएगा तो 3। उसके बाद इस 6 को हमें नीचे ले लेना है तो 937 इज ग्रेटर देन 366, इसलिए हमें एक टू और यहाँ लेना पड़ेगा। उसके लिए हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे बिकॉज हमने दो नंबर एक साथ लिए हैं। अब आपके पास आ गया है 3,362। तो अब हमें 937 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ना पड़ेगा? थ्री टाइम्स पढ़ेंगे टेबल तो आएगा आपका 2,811। माइनस कीजिए, 2 में से बन गया 1, 6 में से बन गया 5 एंड 16 में से 8 जाएगा तो 8। अब इस 1 को नीचे लेंगे, अब आपके पास हो गया है 8,511। तो आपका ये 9 टाइम में टेबल चला जाएगा 8,433। माइनस करेंगे, 11 में से 3 जाएगा तो 8 बचेगा, 10 में से 3 जाएगा तो 7 बचेगा और यहाँ पे 0, 0। उसके बाद इस वाले 5 को हमें लेना है और यहाँ पे 0 लग जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन और ये हो गया हमारा रिमाइंडर। ओके, एवरीथिंग इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका 82,03,015 डिवाइडेड बाई 798। तो 798 से डिवाइड करेंगे 8,203,015। 798 का टेबल पहले वन टाइम पढ़ेंगे तो यहाँ जाएगा आपका 798। माइनस करेंगे, 10 में से 2 जाएगा तो 10 में से 8 जाएगा तो 2 आएगा, 11 में से 9 जाएगा तो 2 आएगा, यहाँ पे 7 में से 7 जाएगा 0। उसके बाद हमें क्या करना है, 3 को नीचे ले लेना है। अब 798 222 से बड़ा है इसलिए 0 को भी लेना पड़ेगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब आपके पास आ गया है 2,230। तो आपको उसका टेबल पढ़ना पड़ेगा 2 टाइम्स, 798 टू 1,596। माइनस करेंगे, 10 में से 6 जाएगा 4, 12 में से 9 जाएगा तो 3, 11 में से 5 जाएगा तो 6 और यहाँ पे 1 में से बन जाएगा 0। ना इस 1 को नीचे पुट करेंगे, ये हो गया आपका 6,341। तो आपको 798 का टेबल पढ़ना पड़ेगा 7 टाइम्स, तो आएगा आपका 5,586। माइनस करेंगे, 11 में से 6 जाएगा 5 आएगा, 13 में से 8 जाएगा तो भी 5 आएगा, 12 में से 5 जाएगा तो 6 आएगा और यहाँ पर 0 आएगा। उसके बाद इस 5 को भी हमें नीचे ले लेना है 6,555। तो अब आप कर लीजिए 798 का टेबल 8 टाइम्स तो आएगा आपका 6,384। माइनस करेंगे, 1, 15 में से 8 जाएगा 7, 4 में से 3 जाएगा 1 एंड यहाँ पे 0। तो 171 हो गया आपका रिमाइंडर और 10,271 हो गया आपका क्वेश्चन। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्वेश्चन में आपको क्या करना है, 1,191,1,100 को डिवाइड करना है 697 से। तो 697,119,111,00। तो 697 के लिए हमें यहाँ पे कम से कम
फोर डिजिट लेने हैं तो ये वन टाइम में आपका चला जाएगा पहले 697। माइनस करेंगे तो 11 में से 7 जाएगा 4, 10 में से 9 जाएगा 1, उसके बाद यहाँ 8 बचा होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है, ये वाला 1 इसमें इंक्लूड नहीं है। 11 में से 7 जाएगा 4, 18 में से 9 जाएगा 9, और 11 में 10 में से 6 जाएगा 4। उसके बाद ये वाला जो 1 है इसको हम नीचे लेंगे। अब यहाँ पे हो गया आपका 4941। तो आपको 7 टाइम्स टेबल पढ़ना है 697 का, तो होगा यहाँ पे 4879। माइनस करेंगे 11 में से 9 जाएगा 2, 13 में से 7 जाएगा 6, 8 में से 8 जाएगा 0, 4 में से 4 जाएगा 0। अब इस वाले 1 को नीचे लेना है तो ये हो गया 621, जो कि 697 के टेबल में नहीं आता है। तो ये वाला 0 के नीचे ले लेंगे क्योंकि हमने दो डिजिट एक साथ लिए हैं, तो यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा। अब हो गया आपके पास 6210। तो आपको टेबल पढ़ना पड़ेगा 8 टाइम्स, और 8 टाइम्स में आएगा आपका 5576। चलिए इसको माइनस करते हैं, 10 में से 6 जाएगा 4, 10 में से 7 जाएगा 3, 11 में से 5 जाएगा 6, और यहाँ पे 0। उसके बाद इस वाले 0 को भी नीचे ले लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 6340। आपका 9 टाइम में चला जाएगा 697 9 6 2 7 3। माइनस करेंगे 10 में से 3 जाएगा तो 7, 13 में से 7 जाएगा 6, और यहाँ पे 0 0। आपका 67 हो गया रिमाइंडर, और 17,889 हो गया आपका क्वेश्चन। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, 1 2 3 4 0 5 6 0 को डिवाइड करना है 971 से। तो 971 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 0 5 6 0। तो यहाँ पे हमें एटलीस्ट 4 डिजिट एक साथ लेने पड़ेंगे, तो वन टाइम में आपका चला जाएगा 971। माइनस करेंगे 4 में से 1 जाएगा 3, 13 में से 7 जाएगा 6, एंड 11 में से 9 जाएगा 2। चल हमें 0 को नीचे लेना है। अब ये हो गया आपके पास 2630। तो इसको आपको 971 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ना पड़ेगा, तो आएगा आपके पास 1942। माइनस करेंगे 10 में से 2 जाएगा 1, 12 में से 4 जाएगा 8, 15 में से 9 जाएगा 6, एंड 0। उसके बाद इस वाले 5 को नीचे ले लेना है। अब आपके पास हो गया है 6885। तो आपको 971 का टेबल करना पड़ेगा 7 टाइम्स, तो आपके पास आएगा 6797। माइनस करेंगे 15 में से 7 जाएगा 8, यहाँ पे आपका बचा होगा 7, 7 में से 17 में से 9 जाएगा तो 8, 7 में से 7 0, 6 में से 6 क्या 0। उसके बाद आपको क्या करना है, इस 6 को नीचे ले लेना है। अब 971 से छोटा है 886, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 0 भी ले लेना है क्योंकि हमने दो डिजिट एक साथ ली है, तो यहाँ पे अब हमें 0 पुट करना पड़ेगा। अब आपके पास हो गया है 8860। तो आपको 9 टाइम्स पढ़ना पड़ेगा टेबल 971 का, तो आपके पास आएगा 8739। माइनस कर देंगे 10 में से 9 जाएगा 1, 5 बचा होगा यहाँ पे, 5 में से 3 जाएगा 2, 8 में से 7 जाएगा 1 3। तो ये हो गया आपका रिमाइंडर, और 12,709 हो गया आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो ये वीडियो आपकी यहीं पर फिनिश होती है। इसको आप लोग अपने अपने नोटबुक में कंप्लीट कर लेंगे, और अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है या क्वेश्चन में कोई करने में मिस्टेक होती है तो आप लोग
होमवर्क ग्रुप में पूरा होमवर्क करके सेंड करेंगे, और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम भी आप उनसे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।